लोगों की जो आवाज है जो कश्मीर के साथ मिलती है, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हाय अल्लाह। जम्मू कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से। पाकिस्तान की सांस रुक गई, सांस अटक गई पाकिस्तान की, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। इंडिया के पैरा कमांडो बकायदा तौर पर जम्मू में आ चुके हैं। उनका मजा खेल का 500 से 600 करीब पैरा SF यानी कि पैरा स्पेशल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहां पे हो गई है, और वहां पे टोटल जो आतंकवादी हैं वो 50 से 55। हमारे हुक्मरानों में कह रहे थे वरना हमारी आर्मी एक आवाज दे के हम आ रहे हैं, ये रोक दो वरना हम आ रहे हैं, ये नहीं रुकेंगे, रुकेंगे। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का था, पाकिस्तान का है और पाकिस्तान में शामिल होकर रहेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ कल जरूर जंग लड़ेगा, कल जरूर जंग लड़ेगा, कल जरूर जंग लड़ेगा, क्योंकि हमारा मुल्क बना है पाकिस्तान। अच्छा। ला इलाहा की बुनियाद पे बना है। ये जितनी भी बची कुची हेकड़ी है सारी निकल जाएगी, क्योंकि पैसे की जो रुपए की कदर है वो बहुत कम हो रही है पाकिस्तान में। जम्मू में जितने भी टेरर अटैक हुए हैं उसके पीछे है पाकिस्तानी सेना की SSG यूनिट। मैं जानता हूँ जिसके जवान आतंकी गुट में शामिल होकर आतंकी हमले कर रहे हैं। यस। आदिल रहमानी जो GOC SSG कमांडोज पाकिस्तान आर्मी का है वो इसके पीछे सारा डायरेक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो जंग होगी तो फिर तो हम जाहिर बात है फौज के साथ है। अच्छा। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। कि आपके जो बयानात हैं जो आप अपने ही मुल्क के खिलाफ देते हैं, अपने मुल्क की शख्सियत, अपने मुल्क के इदारों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश करते हैं, वो जो हमसाया मुल्क है भारत, आपके बयानात को अपनी हेडलाइंस की जीनत बनाता है। जीनत तो फिजा खलीफा हम तुमको भी बना ले। तुम इतने जहरीले मुल्क की जहरीली नागिन हो तो हमें आप लोगों से डर लगता है। कोई शक, इसलिए तुम जहरीले मुल्क की जीनत बनी रहो। वाह भाई वाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये करते करते पाकिस्तान की चौथी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन ये कश्मीर का एक इंच नहीं ले सके, जबकि जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां पर भी आजादी के नारे लगे थे थोड़े दिनों पहले। ये तो पाकिस्तान की सरकार ने जरा सा उनको लालच दे के, थोड़ा सा उनको दमन करके उनको शांत करा दिया, उनको शांत करा दिया तो अभी बलूचिस्तान के अंदर तांडव चल रहा है। दुश्मन मुसलसल बलूचिस्तान में आग भड़काने की कोशिश में है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। गवादर में पुरतशद्दुद हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों पर हमला कर दिया। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। इस टाइम अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, खास तौर पे बलूचिस्तान के सिटी क्वेटा की बात की जाए, वहाँ पे बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तनख्वाहदार मुलाजिमों को भर्ती करके समझते हैं कि बलोच को गुलाम रखेंगे, उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम है बलूच ने उनके खिलाफ भी जंग लड़ी है। देख रहे हो आप, वो जिन साम्राज्यी कुव्वतों के तलवे चाटते हैं ना बलोच ने, उनको वो मुंह की खाल दिलाई है। लेकिन बदकिस्मती से कह लें बलोचिस्तान की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इत्तसला होना ही था। लाखों की संख्या में बलोच प्रदर्शनकारी ग्वादर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट POK में कई दशकों से चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें लोग खुले आगे आ गए, जिसमें वायलेंस हुआ, लेकिन बलोचिस्तान में वायलेंस आज से नहीं 76 साल से चल रहा है। बलोच यकजहती कमेटी की आड़ में जो मार्च किया जा रहा था, इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरे सूबे में बदअमनी की आग भड़काना था। तो एक बड़ी जंग की सी सूरत हाल पैदा हुई हुई है इस वक्त बलोचिस्तान में। खुद मस्तूंग में एक वाकया भी हो गया जहाँ पे FC ने मुबैना तौर पे फायरिंग की मुश्तहिल मुजाहिरीन पे जो लोग ग्वादर की तरफ जा रहे थे। इस वक्त इस तरह के वाकयात का पाकिस्तान में होना आपको क्लियरली नज़र आता है कि भारत इससे ये फ़ायदा उठाना चाहता है कि दुनिया की जो तवज्जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबजूल की जाए। ये इंडिया नहीं कर रहा, हमारे अंदर से लोग कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ। पाकिस्तानी आर्मी उन पर गोलियां बरसा रही है, लेकिन बलूच लोगों ने ठान लिया है कि आर या पार। बलूचिस्तान इनसे संभल नहीं रहा है, KPK इनसे संभल नहीं रहा है, POK इनसे संभल नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों का एक ही सपना है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लड़ने और मरने से हम नहीं डरते। अच्छा। हमारा तो ईमान ये है कि असल जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है। डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पाकिस्तान की जंग किस चीज के साथ है? गुर्बत के साथ है, बेरोजगारी के साथ है, या इंडिया अमेरिका या दूसरे कंट्रीज के साथ है? हमारी इस टाइम जो है ना सिचुएशन है ना वो गुर्बत के साथ है। ठीक है। हम सारा दिन निकलते हैं, सारा दिन घर से निकलते हैं और रात को लेट तक जाता, फिर भी हमारी रोजी पूरी नहीं होती। बच्चों और इस बच्चों का
मुस्तकबिल के लिए निकलते हैं और कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। ऐसी सिचुएशन में मैं ये सवाल सब पाकिस्तानियों से पूछूंगा, ऐसी सिचुएशन में आपको मैं अभी बोलूं जाएं जी कश्मीर में जाके जंग कर लें या जंग लड़ लें, क्या आप जाना चाहेंगे? आप इस काबिल ही नहीं अभी है कि हम उधर चले जाएं, अपने बच्चों के लिए पेट पूजा करें या बच्चों के लिए रोजी कमाएं या उधर जाएं जाके लड़ें। आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसी सिचुएशन में गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना चाहिए, जाके इधर लड़ें उधर लड़ें, इंडिया से लड़ें इधर उधर लड़ें, क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो ये है कि हम अपने रोजी रोजी के लिए लड़ना चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद अगर कोई टाइम है तो इंशाल्लाह जरूर जंग लड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क बना है पाकिस्तान, ला इलाह की बुनियाद पे बना है, हमें उसके बहुत ज्यादा नहीं तो देखे ला इलाह की बुनियाद पे बना है तो इसका मतलब है जंग लड़ेंगे लड़ेंगे अगर हम औकात में रहो औकात में। लेट्स सपोज अगर जंग होती है अल्लाह ना करे तो क्या आपको लगता है कि ये बेहतर चीज है? जंग होती है तो जंग होगी तो फिर तो हम जाहिर बात है फौज के साथ हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ही चीज है और वो है कश्मीर का लॉलीपॉप। शहबाज शरीफ बोलता है हम घास की रोटी खाएंगे, हजार साल हम घास खाएंगे लेकिन कश्मीर को आजाद कराएंगे। अबे साले मेरे बाप का मुल्क है, एक एक जुल्म का हिसाब इस तरह लिया जाएगा कि कश्मीर के अंदर हम तीन भाई मिलकर एक रोटी खाए और तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क मरियम के पापा मरियम के चाचा। अभी ये जो कश्मीर में सूरत हाल है इसकी जिम्मेदार कौन है, मतलब इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की पब्लिक है, वहाँ से लोग ऐसा कर रहे हैं जो आए दिन जंग वाला माहौल बना रहता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा कश्मीर के ऊपर नहीं बात? नहीं, कश्मीर को हम तो नहीं चाहते जंग हो। जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ये 76 साल से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ये नहीं होना, होना भी नहीं है, नहीं होना। तो इसका क्यों, कौन नहीं चाहता मसला हल हो? आप नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं। वो आप चाहते हैं मसला, आवाम तो सारी चाहती है मसला हल हो, तो फिर हल क्यों नहीं हो रहा? हुक्मरानों ने करना ना बोस, ठीक है, ये डॉलर आते हैं इस वजह से। डॉलर सारी बात, कोई ना कोई तो वजह होगी ना, ठीक है, जिसकी वजह से ये मसला नहीं हल हो रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको बताया कि कश्मीर के नाम पे कारोबार हो रहा है, इसलिए वो मसला हल नहीं करना चाहते। ठीक है, कश्मीर के अंदर 500 पैरा कमांडो की एंट्री हो चुकी है, जबकि बताया जाता है कि कश्मीर के अंदर 50 से 60 आतंकवादी है। ये सब सुनने के बाद में पाकिस्तान में जो इनके आका बैठे हैं, जो इनको चलाने वाले बैठे हुए हैं, जो जिहादी मुजाहिदीन गैंग के सरगना बैठे हुए हैं, उनके कांपें टांगने लगी है कि हमारे बच्चे कुछ लोगों को भी ढूंढ ढूंढा के टपका देगी इंडियन आर्मी। ना हमारी आर्मी एक आवाज दे के हम आ रहे हैं, ये रोक दो वरना हम आ रहे हैं, ये नहीं रुकेंगे, रुकेंगे लेकिन ये खुद नहीं रोकना चाह रहे। एक मिसाइल काफी है पाकिस्तान का, एटमी ताकत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जिसमें कोई छुप छुपा नहीं। जी जी, हम मुर्दा जमीर लोग, सब पाकिस्तानी टोटल मुर्दा जमीर है। नहीं तो मुझे एक मिनट, अच्छा कोई मुझे जिंदा जमीर वाला बंदा यहाँ खड़ा दिखा दो, मैं तुम्हारी ऑनर में डबल ना इजाफा करूँ। नहीं, ये साबित कैसे होगा कि मेरा जमीर जाग रहा है या इनका जमीर जाग रहा है? अभी अभी आपने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप पाकिस्तानी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के बिल आ रहे हैं आपको? ऐसे ही है, बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल आ रहे हैं। ऐसे ही है, आपकी सोच से ऐसे ही है, आपकी सोच से अबावा आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, कौन सा हमने यहाँ पर एहतजाज किया है? एहतजाज वैसे पिंडी में हो रहा है, ये एहतजाज, अच्छा वो पिंडी में जो हो रहा है वो एहतजाज है, हम लोग मुर्दा जमीर यहाँ बैठे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हाँ, ये भी एक आप इंटरव्यू लेने आ गए हो, मैं इंटरव्यू देने आ गया हूँ, ठीक है, इसके अलावा हमें कोई काम नहीं। नहीं देखे, इधर एक चीज है ना, मैं देखने वालों को भी क्लियर कर दूँ, भाई को भी क्लियर कर दूँ, मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है अवाम को बताना कि दुनिया में क्या चल रहा है, मेरी जिम्मेदारी है दुनिया को बताना कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। आवाम को आप बता रहे हो ना, इस आवाम को तो होश आनी नहीं है। ओ, ये देखे ना, ये तो इस आवाम को होश नहीं आनी, हमें आज भी कश्मीर के नाम से लड़ा दिया जाएगा। सुन लो मेरी बात, अच्छा मैं आपसे आपकी सैलरी नहीं पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल है। जी जी, अगर आपके 16 फैमिली के मेंबर खाने वाले हैं और आपकी सैलरी अगर वो 16 बंदे में आप सुबह नाश्ता पूरा कर लेते हो, ठीक है, दोपहर का खाना बना लेते हो, उसके बाद बच्चों की फीस दे लेते हो, उसके बाद अगर आप बिल अदा कर लेते हो, ठीक है, तो द ब्रेव मैन, तो बड़ी बात है, हैं? इन टेंशनों से आप बाहर निकलोगे तो मुल्क के बारे में सोचोगे। ये चीज है देखे, और ये एक सोची समझी साजिश के तहत, एक सिस्टमेटिक वे के तहत हर पाकिस्तानी को बिजली के बिलों में, स्कूल की फीसों में, घर के किरायों में उलझा दिया गया है कि भाई हम ये सोचे ही ना कि दुनिया किधर चली गई है। हमें बस, हाँ, हम जहालत के मारे लोग, ठीक है, नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है, फलां गलत है, फलां गलत है, जब कुरान का फैसला है कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, तो जब हम ठीक ही नहीं है तो हमारा इलाज यही है भाई, ठीक है,
ये जो सिचुएशन चल रही है, मैंने ये सवाल दूसरों से भी पूछा, ऐसी सिचुएशन में मुझे महंगाई के खिलाफ बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, हमारे हुक्मरानों को महंगाई के खिलाफ कुछ करना चाहिए, बेरोजगारी आपके ख्याल में आपके हुक्मरानों को महंगाई का नहीं पता? नहीं नहीं, ऐसी सिचुएशन में हमें अफगानिस्तान से या इंडिया से लड़ना चाहिए? इनको अपना मुल्क नहीं संभालना, इनको अपने मुल्क को नहीं देखना है, इनके लिए कश्मीर है शेरक शेरक, ये जो शेरक होती है ना, यहाँ से एक नस कट जाती है, इंसान मर जाता है, ये शेरक है, ये क्या कहता है जिन्ना। हाँ भाई हाँ। और जिन्ना के बाद जितने भी पाक आर्मी चीफ आए या चाहे पाकिस्तानी पीएम आए या चाहे पाकिस्तान की कोई सी हो, आप अक्सर इनको कहते हुए सुनते होंगे कश्मीर हमारी शेरक है शेरक, तुम्हारी शेरक जो पीओके है ना वो भी उड़ जाएगी देख लेना। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों को लताड़ सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।